उस मुकाबले में आज भारत से उम्मीद की जा रही है कि वही जीतेगा और पाकिस्तान के सामने एक रोमांचक मुकाबला जो है खड़ा करेगा। फिलहाल हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक का, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनके पास जो फैंस मौजूद हैं उनके मन में क्या चल रहा है आज इस मैच को लेकर। अभिषेक, क्या ये जानने की कोशिश कीजिए कि किसी भी मैच में पार्टनरशिप जो होती है उसका बहुत अहम रोल होता है, तो आज जो फैंस हैं वो किस पार्टनरशिप को अहम मान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि किसकी पार्टनरशिप जो है वो कारगर साबित होगी? बिल्कुल, पार्टनरशिप का अहम रोल रहता है। जिस तरह से इंडिया की बैटिंग अभी चल रही है, लास्ट मैचेस में जो इंडिया ने बैटिंग की है वो लाजवाब रही, और लेकिन ओपनिंग का जो असमंजस रहती है वो ओपनिंग पे रहती है। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, जो उनसे उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद जो उम्मीदें पूरी करनी थी वो हुई नहीं। केएल राहुल ने हालांकि परफॉर्म किया, लेकिन रोहित शर्मा कभी रोहित शर्मा अच्छा खेले तो कभी केएल राहुल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चले। तो हम इस वक्त फैंस के बीच में है, दिल्ली में है, और दिल्ली में लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पार्टनरशिप सवाल ये है कि पार्टनरशिप किसकी अच्छी होने वाली है और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मैच में। सूर्य कुमार यादव, रोहित, मैं बोलता हूँ कि कोहली और सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव बहुत बढ़िया फॉर्म में है, इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। पार्टनरशिप किसकी होने वाली है? सर, मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा आज अच्छा खेलने वाला है, क्योंकि बिकॉज अभी तक उसने कोई भी रन नहीं स्कोर किए हैं। आज मुझे लगता है कि आज बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मैच है, तो वो प्रेशर में खेलना अच्छा लगता है उसे, और अगेंस्ट इंग्लैंड उसने कई बार अच्छा खेला। रोहित शर्मा को कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अच्छा खेलने वाले पूरे वर्ल्ड कप में, हालांकि उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन आज फैंस को इनको लग रहा है कि रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कौन लग रहा है? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में कब कहां किसका बल्ला चल जाए कहा नहीं जा सकता, और आज एडिलेड में ये बहुत अहम मुकाबला बस सबसे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। 1:30 बजे का वक्त है जब ये सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। पूरे देश का जोश हाई है, हमारे स्टूडियो का जोश हाई है, और हम सभी चाहते हैं कि भारत ये मैच जीते और फाइनल में पाकिस्तान के साथ भिड़े। अनामिका जी, सही कह रहे हैं, एडिलेड में आज मैच है और नजरें हमारी मेलबर्न पे है। बिल्कुल, और ये बात सही भी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से हमसे कल कहा गया है, अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक बात कही गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया को, उनकी तरफ से एक बात आई है शोएब जी की तरफ से कि इंडिया को हम फाइनल में हराना चाहते, तब इंडिया से क्या बात पहुंचती है वो कहती हूँ, सुनिएगा। T20 का सफर हो इतना सुगम, T20 का सफर हो इतना सुगम, तेरी हार से शुरू तेरी हार पे खत्म, T20 का पथ हो इतना सुगम। याद तो है ना, हम पहली बार हराए था, लेकिन एक और बात कहती हूँ इस बयान पर कि बार बार होकर के पराजित वही बात दोहराओगे, बार बार हो करके पराजित वही बात दोहराओगे, असल काम नफरत बोना है तो नफरत बोकर जाओगे, हम वरदानी शिव शंभू से, हम वरदानी शिव शंभू से सदा अमर हो जाते हैं, और भस्मासुर जैसे तुम फिर स्वयं नष्ट हो जाओगे, और भस्मासुर जैसे तुम फिर। देखिए बहुत अहम मुकाबला है, हर किसी का अपना अपना प्लान है, क्योंकि आज की तारीख में, मतलब आज है थर्सडे अदिति, हर कोई अपना संडे का प्लान बना रहा है, और मेरे ख्याल से आज ही से सबने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि हम संडे क्या करेंगे, हमें 1 बजे टीवी सेट के सामने बैठ जाना है, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि भारत आज जीतेगा और फाइनल मुकाबला दोनों। बिल्कुल ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जगह डिसाइड हो रही है इस मैच के लिए। जी संडे को, लेकिन कंगना रनौत का क्या प्लान है जरा पूछते हैं। कंगना जी, सभी दर्शकों को जैसे मनी करने का, मैं आपके अपने कंगना रोना मत। देखिए आज पहली बात तो मैं इनको बता दूं, ये उर्वशी जैसी लग रही हैं, उर्वशी रोतेला जैसी, इतनी खूबसूरत, मतलब ये प्लेयरों का ध्यान भटकता है। प्लीज मुझे भी तो देखिए, मैंने भी तो मेकअप नहीं किया, मैं तो खुद पार्लर नहीं गई। खैर बात करते हैं आज इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल की। एक क्वीन अगर इंग्लैंड के पास है तो एक क्वीन मैं भी हूं, और जब मैं अकेली जाकर लंदन में हनीमून मना सकती हूं तो ये हमारे लड़के तो धमाल मचा देंगे, टीम गेम खेलेंगे, फिर करेंगे लंदन ठुमकदा। ये आज इंग्लैंड की बैंड बजाने वाले हैं, और देखो अंग्रेजों, तुमने ना हमें ऐसे गुलाम बनाया था, आज तुम्हें ना ये उसका बदला लेंगे, तुमसे लगान भी वसूलेंगे, और तुम जितने लाल हो ना उससे भी ज्यादा लाल कर देंगे तुमको मार मार के।
क्या बात है, क्या बात है। मनोज तिवारी जी भी मौजूद है, वो भी चेयर कर रहे हैं, बताइए। अब देखिए ना, ये सब लोग तो सही कह रहे हैं, यही तो होने वाला है। हाँ, रिंकिया के पापा। और ये तो आपने सोचा ही नहीं कि आज तो वीरवार है। वीरवार तो वीर ही तो जीतेगा ना। क्या बात है। और वीर तो हमारा भारत है, ऐसा रनों का पहाड़ भारत बनाएगा ना कि ये गोरे उस पर कभी चढ़ नहीं पाएंगे, देखना माँ का ऐसा कृपा होगा। क्या बात है। एमसीडी वाला पहाड़ भी, उस पर भी नजर दौड़ाइए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले अदिति कहाँ ले चल रही है? हम चल रहे हैं तेजश्री के पास। तेजश्री के पास बहुत सारे फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है और सभी उत्सुक हैं आज के मैच को देखने के लिए। तेजश्री, ये बताइए कि जैसा कि अभी नवजोत ने भी कुछ देर पहले कहा था कि जो एडलेड है वहां पर 175 रनों की जो औसतन स्कोर बन जाता है वो करीब 20 इंटरनेशनल मैचेस में देखा गया है कि ऐसा हुआ है, तो आज आपके पीछे जो फैंस खड़े हैं क्या उम्मीद लगा रहे हैं, आज इंडिया कितना स्कोर रखेगी अगर टॉस जीत जाती है और बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है तो कितना स्कोर रखेगी इंग्लैंड के आगे? जी बिल्कुल, जैसे मैं आप कह रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे फैंस हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे 1:30 बज जाएंगे वैसे इन फैंस की तादाद यहां पर बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक से कहूंगी एक बार फिर से बताएं कि किस तरह से यहां पर नोएडा में फैंस मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इनको आज के मैच का जो टारगेट है उससे लेकर क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए मैम, आप आ गया यहां पर, आप बताइए कि आज आप किस तरह से चीयर कर रही हैं इंडिया को। चीयर करने का अपना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और देख रहे हो, हाँ, सबसे पहला तिरंगा सबके हाथ में रहता है। तो वी होप कि हमें बेस्ट मिलेगा, हम इंडिया जीत कर पूरी सेमीफाइनल से फाइनल में जाएंगे और उससे अच्छे शानदार आपको मौका मिलेगा कि आप पे और अच्छी चीयरिंग हमारी देख सकोगे आप।